फ्रेंड्स, माय नेम इज तनवीर फ्रॉम वीग ऑटो एसेसरीज वाशी नवी मुंबई। कच्छ गुजरात से कार आई हुई है पूरी कार अपग्रेड होने के लिए, लेकिन ये कार में जो साइड्स का जो स्कर्ट्स है मैं उससे स्टार्ट करना चाहूँगा। फ्रंट एंड बैक की स्किड प्लेट तो हम हमेशा लगाते हैं, लेकिन साइड की जो स्किड प्लेट से जो लुक ऑफ द कार द स्टैंड आउट आता है वो अल्टीमेट है दोस्तों। हर वक्त कस्टमर जो है फ्रंट बैक तो लगा लेता है लेकिन साइड की नहीं लगा पाता है, लेकिन एक साइड की स्किड प्लेट लगाने से बहुत अल्टीमेट दिखती है कार। इसकी फिटमेंट फिनिश आप देख सकते हैं, हुंडई जेन्युइन की ही आती है। 17 इंचेस के डायमंड कट एलॉय व्हील्स हमने कार में इंस्टॉल किए हैं, ORVM मिरर्स इंस्टॉल किए हैं, लेकिन जो फेंडर में जो इंडिकेटर आता है उसे नहीं निकाला गया है। ग्रिल रिप्लेस की हुई है। फ्रंट की स्किड प्लेट, जस्ट सी द फिनिशिंग ऑफ द स्किड प्लेट। एक फ्रंट बैक और साइड से जो स्किड प्लेट लगने के बाद जो स्टैंड आउट आता है ना वो नेक्स्ट लेवल का है। ओसराम की HID किट्स प्रीमियम वाली इंस्टॉल की है, 2 साल की गारंटी के साथ आती है। फोक लैंप में हमने LED किट्स इंस्टॉल की है। जो हर किसी की मर्जी रहती है कि मैं इस तरीके से कार अपग्रेड करूँ, तो ये आप लोगों के सामने है। रियर की भी स्किड प्लेट आन बान शान आप देख सकते हैं, और जेन्युइन शार्क फिन एंटीना हमने ये कार में इंस्टॉल किया है, और ऑब्वियसली डोर वाइजर, लोअर विंडो गार्निश, रूफ रेल्स भी हमने इंस्टॉल की है। रूफ रेल स्टिकॉन आती है दोस्तों, इसमें कोई होल वगैरह हम नहीं मार सकते हैं, ये स्टिकॉन रूफ रेल आती है फॉर द लुक और शो ऑफ योर कार में। इंटीरियर में हमने ORVM मिरर्स के लिए राइट साइड का पैनल ही चेंज कर दिया है, ये बार हमने कटिंग करके इंस्टॉल नहीं किया हुआ है। ये प्रॉपरली पूरे वर्क हो रहे हैं ORVM मिरर। अगर आपको पैनल चेंज करना है तो 5,500 राइट साइड का ट्रिम्स आती है, अगर आपको चेंज करना है तो आपको वो कॉस्ट देना पड़ेगा, अदरवाइज हम अच्छी तरह कट करके लगा के तो देते हैं। इनर हैंडल्स हमने इंस्टॉल किया है, चारों डोर्स की लेदर पैडिंग एंड द वी स्पोर्ट्स एडिशन के जो सीट कवर्स हैं, ये सीट कवर कुछ अलग हैं, इसके अंदर ब्लैक बॉर्डर नहीं किया हुआ है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी मुझे फुल आइस ग्रे चाहिए फॉर द लुक एंड द पॉजिटिविटी ऑफ द कार में, तो हमने वी स्पोर्ट्स एडिशन के टॉप गियर के सीट कवर्स इंस्टॉल किए हैं। एल्यूमिनेटेड कफ प्लेट्स भी हमने ये कार में इंस्टॉल की हुई है, लेकिन जो प्लेयर है हमने ये कार में 4GB रैम 64GB मेमोरी के साथ विद द वायरलेस एप्पल कार प्ले के साथ हमने इंस्टॉल किया है। एंड्रॉयड ऑटो वायर्ड के थ्रू आता है, और इसकी कैमरे की भी आप क्लियरिटी चेकआउट कर सकते हैं। स्टीयरिंग ऑडियो कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, फोक लैंप्स के प्रॉपरली हमने स्विचेस इंस्टॉल किए हैं। सनग्लास होल्डर की भी आप फिटमेंट आप देख सकते हैं, बहुत अमेजिंग है इसके अंदर। चारों भी डोर्स में प्रीमियम डैम्पिंग की हुई है, एंड चारों भी डोर्स में हमने सोनी के कोएक्सल जो टू वे स्पीकर्स आते हैं ES सीरीज के इंस्टॉल किए हुए हैं। मैं फिर से बोलता हूँ, वीडियोस तो काफ़ी सारे दिखाता हूँ, ये दिल था। कच्छ से कार आई हुई है गुजरात से, और जो गुजरात ने जो सपोर्ट दिया हुआ है क्रेटा और अर्टिका में वो नेक्स्ट लेवल है, तो एक थैंक्स गिविंग वीडियो था। मैं थैंक यू गुजरात को बोलना चाहता हूँ जो सपोर्ट आप लोगों ने दिया है। जाडेजा साहब को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो भरोसा हम पे दिखाया हुआ है, और ऐसे ही भरोसा देते रहिए, प्यार देते रहिए, एक से एक अपग्रेडेशन आप लोगों के सामने क्रेटा का लेके आते रहेंगे। और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ड्राइव सेफली एंड थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज कच्छ से क्रेटा आई हुई है। मिस्टर जाडेजा साहब और राम भाई फैमिली मोटर कच्छ से आए हुए हैं, खुद का इनका मोटर्स है लेकिन फिर भी आए हुए हैं गैस द मॉडल बनाने के लिए, और गैस द मॉडल बना के जा रहे हैं आज। और एक ये बताना आप लोगों को जरूरी था कि अल्कजर के अलॉय व्हील्स के रेट बढ़ चुके हैं, 10,800 रुपीज हो गया है, जिसकी MRP 8,500 रुपया थी अभी 10,800। और हो सकता है क्रेटा के भी कभी भी रेट बढ़ जाए, अभी तक तो बढ़े नहीं है, जब विदाउट इंटीमेशन ये बढ़ा दिया तो ये भी कभी भी बढ़ा सकते हैं, तो जब तक स्टॉक है आइए और एलॉय व्हील फटाफट लगा के जाइए। सर से एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, कल सूरत से निकले थे शाम को और इधर ही पास में स्टे करके सीधा गाड़ी इधर ही आया, घर पे तो लेके ही नहीं गए अभी तक, और बेस वेरियंट लेके आए थे और सीधा टॉप बना के घर सीधा लेके जाएंगे हम लोग, तो बहुत ही अच्छा काम है टीम ने, बहुत ही फास्ट और बहुत ही अच्छा काम है, एकदम कुछ ज्यादा टाइम भी नहीं लगा था,
कुछ 3-4 घंटे हमको काम था, वो निपटा के आए, तब तक तो गाड़ी पूरा रेडी होके हमारे हाथ में कीज दे दी थी तनवीर भाई ने। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। राम भाई क्या बोलना चाहिए? मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये क्रेटा ई वेरिएंट मेरा तो यही काम ही है, इतना सॉर्टेड चल रहा है ना। और ये सबसे पहले तो बहुत अच्छी डील में हमको क्रेटा मिली, सूरत में से एग्जस्ट गया है। फिर भी बगी ने बोला कि वीडियो तो हम देख ही रहे थे, पता तो था ही इधर ही जाना है, ऐसा भी नहीं है कोई रेफरेंस वाला, कोई जान पहचान वाला नहीं है। बहुत लोगों ने बोला भाई वहाँ पे डिस्काउंट करवा दूंगा, वहाँ पे नहीं, एक ही टारगेट यहाँ पे ही तनवीर भाई के पास ही आना है। और ये कार और 2-3 बुकिंग है, कार भी मिल जाएगी और सीधा आँख बंद करके यहाँ पे आएंगे। इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस क्या बोलूँ। थैंक यू जडेजा साहब, थैंक यू सो मच। गुजरात से भी जो इतनी सारी क्रेटास आती है, मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा पूरे गुजरात को, जो सपोर्ट आप लोगों ने हमें क्रेटा और एटिका में दिया। ऐसे ही प्यार बने रहिए, एक से एक मॉडिफिकेशन आप लोगों तक लेके आते रहेंगे।